तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज और आप यहाँ आए हैं हरियाणवी कला नृत्य कार्यशाला में, जिसका आज समापन हो रहा है गांव शेखपुरा गवर्नमेंट स्कूल शेखपुरा में। और आइए दिखाते हैं आपको आज का कार्यक्रम। आ जाऊं मैं हो सासरे खो ना जाऊं मैं, हो बालमियाड़ा सास लड़ाकी, बालमियाड़ा सास लड़ाकी तने बताऊं मैं। महिलाओं के पास कोई और माध्यम नहीं होता था कि वो किसी और तरीके से अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, दबदबा पहले से था। आज तो फिर भी बहुत आगे आ गई हैं लड़कियां महिलाएं अपनी बात कहने में। तो वो क्या करती थी, वो जैसे गाने के बोल हैं, ओ सासरे को न जाऊं मैं, उनके जैसा तो नहीं गा पाऊंगी। छोटा सा सा बाल मेरा बात खेलता आवे था, मैं तो उसने बोली को नहीं मामा करता जावे था। न्यू बोलने मैं पानी पेवा दे करड़ा मरू तिसाया मैं, ओ सासरे को न जाऊं मैं। अर्थात वह जो छोरी है वह न्यू के है, न्यू के जब मेरा जो बालम है ना जिसके के लिए मेरा ब्याह करा है वो बहुत छोटा है, याना बालक है। पहले ब्याह दिया करते, छोरी बड्डी होती पल्ला लगा देते, अक मारा वंश चल जाएगा इसके साथ रहेगी। तो वह अपनी माँ ने अपनी चाची तैया ने वह गाने के माध्यम से शिकायत करा है कि मैं सासरे को नहीं जाऊँ, मेरा जो बालम है वो मेरे आन दिमान का कोनी, मेरी बात को नहीं समझता, वो मैंने बालक की डाल पालना पड़ा है। अगर सासरे ही भेजना है तो इसे के साथ भेजो जो मेरे आन दिमान का हो। तो जो हरियाणवी लोक नृत्य कार्यशाला थी 20 दिन की शेखपुरा गांव में, और बड़ा इंटरेस्ट लिया बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा, और सुनीता गुप्ता मैडम को मैं पहले से ही जानती हूँ और उनका इंटरेस्ट भी है कि मैडम इस तरह का कल्चर को जब बढ़ावा देते हैं तो आप हमारे स्कूल में भी आया करो, इस तरह की वर्कशॉप सिखाया करो हमारे बच्चों को भी। और यहाँ महावीर गुड्डू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, जो उन्होंने ये वर्कशॉप हमें दी और ये अवसर हमें दिया शेखपुरा स्कूल में जो सुनीता गुप्ता मैडम ने। तो बड़ा अच्छा सामंजस्य रहा, बढ़िया अच्छी मेहनत बच्चों ने भी की, और हमारे जो आर्टिस्ट थे कहीं ना कहीं हमारे दिग्गज आर्टिस्ट हैं, इवन मतलब जो सुभाष नगाड़ा सर हैं, सर इनके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि मतलब ये हरियाणा की धरोहर हैं। जो हमारे जो बड़े आर्टिस्ट थे बड़े, उनमें तो ये धरोहर रह रहे हैं हमारे पास, और बड़ी खुशी है, बड़ा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य हमने मिला। गलती होगी दोनों की, पर समाज में कसूरवार तू एकली ठहरा दी जाओगी। गलती होगी दोनों की, पर समाज में कसूरवार तू एकली ठहरा दी जाओगी। तू टूटेगी बिखरेगी पर किसी का किमें ना जा, तू टूटेगी बिखरेगी पर किसी का किमें ना जा, तू खुद ने खुद में ख़त्म कर जाओगी, तू खुद ने खुद में ख़त्म कर जाओगी। तू उठ खुद ने कर मजबूत इतना कि तने जरूरत नहीं किसी की, तू उठ खुद ने कर मजबूत इतना कि तने जरूरत नहीं किसे की, क्योंकि देखा तने सारा किसे का तो तेरी खुशी खुद तेरे पे कत्ल करवा दी जाऊंगी। तने देखा जे सारा किसे का तो तेरी खुशी खुद तेरे पे कत्ल करवा दी जाऊंगी। कर कर मरिए तू सारी उम्र माँ बाप का बाण भाई का और फिर खसम का, कर कर मरिए तू सारी उम्र माँ बाप का बाण भाई का और फिर खसम का, और करना फर्ज है तेरा कह के नहीं कोड़ ने टाल दी जाओगी, और करना फर्ज है तेरा कह के नहीं कोड़ ने टाल दी जाओगी। बेटे चाहे बकवा दो इनके ढूंढर बांडे भी, बेटे चाहे बकवा दो इनके ढूंढर बांडे भी, पर इज्जत वाली डोर इनकी बस तेरा हाथ में पाओगी, पर इज्जत वाली डोर इनकी बस तेरा हाथ में पाओगी। मांगेगी जब तू हक अपना, मांगेगी जब तू हक अपना तो छोरी जात का घना बोलना अच्छा ना होता कह के आवाज़ तेरी दबा दी जाएगी,
मांगेगी जो तू हक अपना, तो छोरी जात का घना बोलना अच्छा ना होता, कह के आवाज तेरी दबा दी जावेगी। माँ बाप के राज में रहेगी राजकुमारी, माँ बाप के राज में रहेगी राजकुमारी, पर भाई भाभी के राज में तस्वीर तेरी दुश्मन सी बना दी जावेगी। हम जिस परिवेश से आते हैं ना, वहाँ पे मतलब आज भी हम इतने डेवलप्ड एरिया में नहीं रहते कि हमारे पास मतलब जो टीनेजर्स होते हैं उनको गाइड करने वाले कम और उनको डांटने वाले धमकाने वाले ज़्यादा होते हैं। यहाँ की उनके फैमिली मेम्बर्स ही ज़्यादा मतलब इस में रोल प्ले करते हैं, वो खुद मतलब अपने बच्चों को समझने के बजाय उनको डांटेंगे धमकाएंगे। इससे बच्चा क्या करता है कि वो अपने जो बातें होंगी ना वो घर वालों से शेयर करना बंद कर देता है, घर वालों को बताना बंद कर देता है, फिर वो अपने दोस्तों में शेयर करेगा, अपने दोस्तों को बताएगा कि यह बात होगी या बात होगी, अपने घर वालों को नहीं बताएगा। इसलिए मैं मतलब ये चाह रही हूँ कि जो घर वाले हैं वो अपने बच्चों को जो कि इस एज में हैं वो उनको प्यार से उनसे बात करें, वो उनके दोस्त बने ताकि वो उनकी बातें समझ सके, वो अपने बात बच्चे अपने पेरेंट्स से वो अपने बात शेयर कर सके ताकि वो काफ़ी चीज़ों से बच सके। तो कविता मैं अपनी शुरू करूँगी, जैसे लड़कियों थोड़ी सी राम राम जी शारण है। मेरा नाम आरती शर्मा है, हरियाणा पोल खोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हमारे इस चैनल को बड़ा बढ़िया चैनल है जी। पोल खोल हरियाणा को, ये वास्तव में पोल खोल है। हाँ, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सभी अपना प्यार बनाए रखें। राम राम।